राधे कृष्ण का नाम लेके अभी हम लोग वीडियो का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग जो है नेपाल और भारत के बॉर्डर के बीच में है, तो इधर जो है ये लाइन ना, इधर लाइन के इधर हम लोग भारत में आ जाएंगे, फिर इधर जो क्रॉस करेंगे ये आपका नेपाल में चले जाएंगे। तो वो वहाँ भी देखेगा इस वो सब जो पोल लगा हुआ है, बस यही आपका जो बॉर्डर का लाइन जो है बस इतना से ही फासला है, इसी से मतलब बॉर्डर का लाइन बनाया गया हुआ है नेपाल और भारत का। तो अभी हम लोग नेपाल के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम लोग 700-800 मीटर अंदर जाएंगे, वहाँ पे अभी हम लोग रोप वे ब्रिज घूमने वाले हैं, झूला पुल जिसके नाम से पूरा फेमस है। ये जो जगह है ये नेपाल में ही पड़ता है और ये हमारे इंडिया से लमसम वही 700 मीटर के अंदर पे है, 700 मीटर या 800 मीटर। और ये जो हम लोग यहाँ आने के लिए हमने पहले ठाकुरगंज आना होगा जो कि सिलीगुड़ी के बगल में है, ये हमारा बिहार में पड़ता है। तो यहाँ आने के लिए ठाकुरगंज स्टेशन से वही मैक्सिमम वहाँ से 10 किलोमीटर लमसम है ये जगह घूमने के लिए। ये जगह का क्या नाम है, शायद नक्सल गलगलिया, गलगलिया में ही पड़ता है ये सब। और ये बॉर्डर जो है अभी हम लोग बॉर्डर पे हैं, ये गलगलिया बॉर्डर के नाम से भी फेमस है। ये भारत एक तरफ लिखा हुआ, एक तरफ नेपाल, बस यही है। अभी हम लोग अंदर भी जाएंगे और बस यही सब है, आगे खेत है, इधर भारत का खेत है और इधर नेपाल का खेत है, बस ये जो है ये सब है, ये सब नेपाल का है एरिया। और इधर जो है, इधर ये सब जो दिख रहा है ये हमारा इंडिया है, भारत। चलिए गाइस इस वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, ये नेपाल है, ये साइड जो है ये नेपाल है और ये साइड जो है ये भारत है, इंडिया है। इधर से अभी हम लोग इस बॉर्डर के लिए आए हुए हैं, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के बीच में अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं झूला पुल, ये देख सकते हैं ये सब जो भी है ये बॉर्डर बनाया गया है। यहाँ पे मतलब लिखा हुआ भी है कुछ कुछ जगह पे नेपाल इंडिया ऐसे करके इसे लिखा हुआ है। अभी बीच में ही इसमें जो है रास्ते में जो ये बॉर्डर लाइन है इसी पर हम ट्रैवल कर रहे हैं। यह है नेपाल का फ्लैग, अभी हम लोग नेपाल में, यहाँ से 1 किलोमीटर पे इंडिया है, 1 किलोमीटर भी नहीं 800 मीटर पे ही है। और ये है रोप वे ब्रिज, ये सिर्फ रोप पे ही टिका हुआ है तो इसलिए इसको हम लोग रोप वे ब्रिज बोल सकते हैं। झूला पुल यहाँ का सबसे फेमस ब्रिज है। गाइस अभी हम लोग नेपाल में है, ये 1 किलोमीटर इंडिया के बॉर्डर के बगल में ही हम लोग अंदर आए हुए हैं नेपाल का। ये जो पुल है ये झूला पुल के नाम से बहुत फेमस है और ये जो है ऋषिकेश के तरह ही ये पुल बनाया गया है बिना पाया का, जिया इसमें मतलब एक भी पाया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं गाइस, ये जो लोहे का रड से बना हुआ जो रस्सी टाइप में है जो इसको हम लोग चैन बोल सकते हैं, उसी पे ये भी जैसे ऋषिकेश में पुल है राम झूला है, उसी तरह से इसे भी डिज़ाइन किया गया है। ये कम्प्लीटली नेपाल में है, 1 किलोमीटर अंदर अभी हम लोग हैं। तो वहाँ पे कोई ये जो फार्मर्स दिख रहे होंगे आपको, ये नेपाल के फार्मर्स हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग थोड़ी देर जो पहले अभी आए हुए मैंने वीडियो में बताया हुआ आपको पीछे, वो इंडिया में थे अभी हम लोग। तो ये गाइस देखिए ये सब जो ये रिवर है इसी के ऊपर बनाया गया, यहाँ से लोग स्कूल बच्चे लोग आते जाते हैं और भी लोग यहाँ से बिजनेस के लिए आते ट्रैवल करते हैं। वो झंडा देख सकते हैं, वो नेपाल का झंडा है, नेपाल का ही कुछ मतलब उन लोगों का फंक्शन का ही कुछ है। और ये देखिए ये जो ये रिवर जो है ये कम्प्लीटली नेपाल में, जब फ्लड आती है तो नेपाल और इंडिया के बीच में इतना पानी हो जाता है, मतलब ये इंडिया में भी ये पानी पहुंच जाती है, बोल सकते हैं कि नेपाल और इंडिया के बीच का ही एक रिवर हम लोग मान के चले तो ठीक रहेगा। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं इस पुल को। तो कैसा लग रहा है झालमुड़ी खा के, अरे झालमुड़ी खा कैसा लग रहा है, हाँ तीधा लग रहा है कि नहीं, लग रहा है